नागालैंड से एक दुखद घटना सामने आई, जिसमें मौन जिले में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 13 आम लोगों की मौत हो गई। ओटिंग इलाके में हुई इस घटना के बाद से ही इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना के बाद एक जवान के भी शहीद होने की खबर है। फायरिंग में मारे जाने वाले सभी ग्रामीण मजदूर बताए गए हैं। नागालैंड के ओटिंग इलाके में सुरक्षा बलों से हुई चूक की वजह से 13 ग्रामीणों की मौत हो गई, जहां सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों को विद्रोही समझकर उन पर फायरिंग कर दी। अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर ये चूक हुई कैसे। फायरिंग की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं जब ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली तो गुस्साए ग्रामीणों और जवानों के बीच झड़प हो गई और ग्रामीणों ने सेना की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान भी कुछ लोगों की मौत हो गई। वहीं हिंसक झड़प में एक सेना का जवान शहीद हुआ। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव के हालात बने हुए हैं। ये घटना तब सार्वजनिक हुई जब नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने ट्वीट कर घटना की जानकारी दी। सीएम ने ट्वीट कर घटना में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए मामले में SIT जांच करने के निर्देश दिए। वहीं घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर दुख जताया, जहां उन्होंने लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना से व्यथित हूं। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय SIT इस घटना की गहन जांच करेगी। मैं इस घटना ने सियासी सरगर्मी भी पकड़ना शुरू कर दिया है, जहां राहुल गांधी ने घटना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भारत सरकार को जवाब देना चाहिए, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, जब ना तो नागरिक और ना ही सुरक्षा कर्मी हमारी ही भूमि में सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक जो लोग सेना की फायरिंग में मारे गए वो मजदूर थे और खदान से मजदूरी कर लौटे थे। वहीं सेना की इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ शासन प्रशासन लोगों से शांति बहाल करने की अपील कर रहा है।